अपने शो के बारे से मैं बात करूंगा कि ये मेरा 5वां सोलो शो है। इससे पहले तकरीबन 50-60 से अबव मैं ग्रुप और सोलो शोज कर चुका हूँ दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे USA में, UK में, कनाडा में, टर्की में, सऊदीया में, दुबई में, इंडिया में और बहुत सी कंट्रीज़ में मेरा काम एग्जिबिट हो चुका है और बहुत सी जगहों पे परमानेंट डिस्प्ले पर भी है। आज जो एग्जिबिशन है आर्ट सीन गैलरी में, उसके हवाले से मैं बात करूँगा कि इस एग्जिबिशन में मेरी कोशिश थी कि जो मुगल हिस्ट्री जो हमारी गुजरी है उसके बारे में कुछ काम करूँ। मुगल एरा जो मुगल सल्तनत का एक दौर था, उनका जाहो जलाल, उनका अदल व इंसाफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी जंगें, उनका शिकार का स्टाइल, उनकी मीटिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग, उन सब इवेंट्स मैंने कैप्चर किया अपनी पेंटिंग के थ्रू। तो उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे मेरे काम को और आगे भी मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे, इस तरह प्यार करते रहेंगे जिस तरह आप पास्ट में करते रहे। थैंक यू सो मच। मिनिएचर बेसिकली सिर्फ एक आर्ट या एक सब्जेक्ट नहीं है। मिनिएचर अपने आप में पूरी दुनिया है, हिस्ट्री है। अगर हम अपने पास्ट को देखें, अपनी हिस्ट्री को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि मिनिएचर जो है मुसलमानों का एक अपना आर्ट है, एक अपनी मिरास है। जैसे कैलीग्राफी, मिनिएचर का जो आगाज़ हुआ वो हुआ ईरान से और फिर इसको आगे जो बढ़ा और हिंदुस्तान में आया मुग़ल सल्तनत के सेकंड बादशाह जो थे हुमायूं, वो ईरान से दो मुसविरों को लेकर आए हिंदुस्तान और फिर हिंदुस्तान में उनके शागिर्द बने और फिर मिनिएचर डेवलप हुआ। और जहांगीर और शाहजहां ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आज हम देखते हैं मिनिएचर के एक डेवलपमेंट फॉर्म में देख रहे होते हैं। दोस्तों, मैं AQ आरिफ और आज मैं सैयद इरफान की एग्जीबिशन के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रहा था। उनकी एग्जीबिशन होने वाली है कराची में आर्ट सीन गैलरी में और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छी जाएगी, इसलिए उनका काम बहुत खूबसूरत है। मिनिएचर आर्ट के अंदर या उसकी जो टेक्निक है, उसकी जो बारीकियाँ हैं वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उसको बहुत ही खुशसलूबी से वो निभा रहे हैं। बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ उनका नाम जा रहा है और उनका काम बहुत इम्प्रूव कर रहा है। Rehan Akan from Turkey, Bursa City. Today, one of the Mughal
Babur miniature artist living in Karachi, Pakistan. His name is Sayed Irfan. He's a really good personality, also a good friend, as well as when I look to his miniature arts, contemporary miniature arts, they are beautiful miniature paintings, magnificent vivid colors, and wonderful composition and strong technique. Also, I believe that he will create those great works in the future. I wish him good health and success. I'm Sayed Irfan, and you may unko bahut लेवल्स पे देखता हूँ। एक जहाँ तक उनकी पेंटिंग का सवाल है, वो मैं बड़ा खुश होता हूँ उनकी पेंटिंग्स को देख के, क्योंकि एक तो वो एक ट्रेडिशनल स्टाइल में काम करते हैं और मुग़ल मिनिएचर में ख़ास करके जो उनका अपना स्टाइल है, और वो जो इलस्ट्रेशन की खूबियाँ सारी, और फिर जो टेक्निकल जितनी भी खूबियाँ हैं वो सारी जितनी भी उन्होंने सीखी हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी पेंटिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी बने, सारे डिटेल के साथ काम करना। तो मैं समझता हूँ कि इरफान एक बहुत ही अच्छे होनहार नौजवान आर्टिस्ट हैं, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। नमस्ते एंड सबको मेरा बहुत प्यार भरा आदाब। मेरा नाम प्रीति कौर आनंद है, मैं इंडियन आर्टिस्ट हूँ और मैं दुबई में बेस्ड हूँ। और मैं अपने दोस्त और वंडरफुल आर्टिस्ट इरफान को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी उनकी जो आर्ट सीन में भी अपकमिंग एग्जीबिशन आने वाली है। इरफान को मैं काफ़ी अरसे से जानती हूँ और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और मैं बहुत उनका काम अप्रिशिएट करती हूँ। स्पेशली जो मिनिएचर काम है जो हमारे मुल्क में, चाहे वो इंडिया हो और पाकिस्तान हो, वो काफ़ी डिमिनिश होता जा रहा है। और यू नो वंडरफुल आर्टिस्ट लाइक इरफान, उनको एक नई मंजिल दी उन्होंने उन काम को जो मिनिएचर के वर्क हैं। ही हैज गिवन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म टू द मिनिएचर आर्ट, द मुगल आर्ट दैट ही डज, एंड ही डज इट वेरी ब्यूटिफुली। और इट्स नॉट एन ईजी वर्क टू डू। I'm Pinar Erol from Turkey. We have met with lots of friends 4 years ago at Immigration and Empathy exhibition at Turkey. We were very happy to meet with Pakistani friends, and one of them was Sayed Irfan. I had met with his kind and nice brush and hand about Mughal icon at that exhibition. Now, at this new solo exhibition, I see that he is getting better and better. His brush is wonderful,
And so I wish him success and happiness at his new exhibition.